दो मिनट बलवीर जी हाथ नहीं करो सर हाथ नहीं करो बलवीर जी हाथ नहीं करो क्या सर समीक्षा मेरे पास आ जाओ बलवीर जी हाथ नहीं करो करो सर पीछे करो तुम चलो सर करो थोड़ा पीछे भारत माता की भारत माता की स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद जी अमर रहे अमर रहे भारत माता की जय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जय सर एक फोटो करा दो बलवीर सर एक फोटो करवा दो सर एक मिनट थोड़ा पीछे करो सर फोटो कराओ सर 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 जी फोटो करवाओ यार पीछे हो जाओ सर स्लीव पीछे हो के ना डॉक्टर साहब कन्ने आओ ना फोटो कराने ਬਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਲਿਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ बातचीत करने की भी कोशिश जो है वो जरूर करेंगे सर शर्मा जी से आज पूरा भारतवर्ष उस महान विभूति को याद कर रहा है जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण और ऐसे कई प्राइजेस के साथ नवाजी गई उस महान हस्ती जो भारतवर्ष के साइंटिस्ट होने के नाते एयर स्पेस साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने इस देश का के राष्ट्रपति होने का सौभाग्य भी जो है वो प्राप्त किया एक मिसाइल मैन के रूप में और जिस तरीके का एक वातावरण उन्होंने हमारे सामने रखा वो अपने आप में एक मिसाल है छोटे परिवार से पैदा होकर मेहनत करके कभी नौकरी ना मिली तो उसके बाद सोचा के संसार छोड़ दे लेकिन भगवान ने उनके लिए नियति ने उनके लिए एक बहुत बड़ा पद जो था वो रखा था उस महान विभूति को आज याद करने का दिन है उस महान विभूति के जन्मदिन पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ रणजोत नलवा जी का जिन्होंने आज एक भव्य कार्यक्रम जो था वो किया पार्टी की तरफ से और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके जन्मदिन पर हम सब उनको याद कर रहे हैं उस महान विभूति के जन्म महान विभूति के इस जीवन से यही एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कभी हम लोग रुके नहीं हमेशा मेहनत करते रहें भगवान आपको इसका फल जो है अवश्य देगा आज उस महान विभूति जिसके चलते जिन्होंने हमेशा एक विकसित भारत की कल्पना की थी वैसे ही विकसित भारत की कल्पना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कर रहे हैं कि एक सशक्त भारत हो 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो जो सपना हमारे एपीजी अब्दुल कलाम आजाद जी ने देखा था वो सपना जो है हम सब पूर्ण करने में सक्षम हो मैं नलवा जी और पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है उस महान विभूति को नमन करने का मौका मिला है जय भारत जय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हुमायूं की मौत की तरफ
शर्मा जी, हमारे बलवीर जी, हमारे डॉक्टर साहब जो माइनॉरिटी मोर्चा से नहीं है, तो उनका बड़ा शुक्रिया था। आप जानते हैं कि क्यों किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है कि हम उनकी शख्सियत को अपने आप में उभारने की कोशिश करें, उनके जीवन को, जो उनकी जीवन शैली थी, उसको अपने आप में उभारने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि उनका एक कोट था, डोंट स्टॉप लर्निंग, कि हमेशा पढ़ते रहो। आप पढ़ते रहोगे तो आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप ग्रेट बनेंगे। इसी तरह उनका जो जीवन था, एक प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी इतना सादा था कि उनके पास सिर्फ 3 जोड़े जो सूट कहते हैं और 4 पैंट्स और 5 शर्ट थी। ये चीजें हमें, ये प्रेरणा लेने वाली चीजें हैं, ये हमें अपने जीवन में डालना चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक इतना बड़ा महान आदमी, जब कपड़ों की बात आई तो कितने से वस्त्र थे। ये चीज दर्शाती है कि इंसान विचारों से बड़ा होता है, ना कि वो जो दिखावा करता है उससे बड़ा होता है। उनमें जो उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनकी सोच थी, वो जात पात से उठ के उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवाद की बात की। और वो हमेशा यही कहते थे कि सबसे जो परम कर्तव्य है इंसान का, वो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्र है, राष्ट्र को देखना चाहिए, उसके बाद बाकी की सभी चीजें हैं। तो वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आपने देखा कि कितने ग्रेट स्टेटमैन थे साइंटिस्ट होने के बावजूद भी। तो हम आज ये मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को, यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता सभी यहाँ हैं उनकी तरफ से, कि सभी लोग उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करें, उन विचारों की, और उनकी तरह चलने की कोशिश करें। जिस तरह से वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी इतने सिंपल थे, और जो उनकी राष्ट्रवाद सोच थी, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लोग वैसा ही रहें। थैंक यू वेरी मच। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थे, और आपने देखा कि अभी जो है तमाम प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, सतपाल शर्मा जी ने भी जो है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो उनको दी, अब्दुल कलाम जी को जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। और आप जानते हैं कि अभी तमाम जो है वो यहाँ पर, अगर हम सर शर्मा की बात करें, साथ ही साथ अगर हम सरदार रणजोत सिंह जी की बात करें, वो भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पर जो है अब्दुल कलाम जी को जो है वो दी। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसे और वीडियोज के लिए बने रहे द न्यूज़ नॉर्थ के साथ।